नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गी में होने वाले CRD बीमारी, यानी जिसको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज भी कहा जाता है, या फिर हम लोग देसी भाषा में इसको सर्दी खांसी जुकाम भी कह सकते हैं। दोस्तों ये बीमारी हमारे मुर्गी में कैसे लगता है, और अगर आपकी मुर्गी में ये बीमारी लग चुका है तो इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों अभी बरसात का टाइम चल रहा है, और ऐसे टाइम में सबसे कॉमन अगर बीमारी में से एक देखा जाए तो वो CRD है। ये दोस्तों बरसात में भी होता है, और उसके साथ साथ आप जैसे सर्दी के टाइम आने वाला है तो सर्दी में भी ये बीमारी ज़्यादातर देखा जाता है। दोस्तों इस बीमारी के अगर कुछ लक्षण के बारे में बात करें, सिम्टम्स के बारे में, तो उनमें सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है दोस्तों, जब शुरुआती स्टेज होता है तो दोस्तों मुर्गी में ये आपको छिक छिक टाइप का आवाज़ सुनाई देगा, यानी मुर्गी छींकने लगती है। इसके साथ साथ दोस्तों जब आप रात के टाइम में अपने फार्म पे जाओगे तो आपको जो है थोड़ा साउंड, जो मुर्गी जब सांस लेगी तो उस सांस लेने का जो आवाज़ है, यानी घर 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 हल्का हल्का साउंड आपको सुनाई देगा। ये दोस्तों शुरुआती स्टेज है, लेकिन अगर आप ऐसे टाइम में मुर्गी को ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अगर आप इस बीमारी को शुरुआती स्टेज में नहीं पकड़ पाते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही जल्दी पूरा फार्म में, यानी सारे मुर्गी में ये बीमारी लग जाता है। फिर दोस्तों जब इसका स्टेज बढ़ जाता है, यानी फर्स्ट स्टेज से लेकर दूसरा या फिर तीसरा स्टेज में पहुंच जाता है, वैसे टाइम में दोस्तों फार्मर को ये नज़र आते हैं, खासतौर पर जो नए फार्मर्स हैं उनको समझ आता है कि हमारे मुर्गी में कोई बीमारी लगा है। वैसे टाइम में दोस्तों मुर्गी क्या होता है, यानी जब सेकेंड स्टेज या फिर थर्ड स्टेज में पहुँच जाता है, तो दोस्तों मुर्गी खाना खाना बंद कर देती है। एक जगह दोस्तों मुर्गी बैठे रहती है पंख फैला के। उसके साथ साथ दोस्तों मुर्गी में काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होता है, यानी उसके गले में म्यूकस जम जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होता है। और दोस्तों सांस लेने वक्त आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देगा, घर 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 टाइप का। उसके साथ साथ दोस्तों मुर्गी के आँख में सूजन आ जाता है। तो ऐसे टाइम में मुर्गी को फिर बचाना या फिर इसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको इस बीमारी को शुरुआती स्टेज में पहचान करके और उसका इलाज शुरू करना होता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप नए फार्मर हो, नए काम को कर रहे हो, तो दोस्तों आपको अपने फार्म पे रात के टाइम में थोड़ा विजिट करना होता है, थोड़ा आपको जो है समय देना होगा, जाके मुर्गी को देखना होगा, उसके एक्टिविटीज़ क्या है वो सब आपको देखना होगा। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम्स दिखता है, और ख़ासतौर पर रात के टाइम में क्या होता है, बहुत शांत होता है एनवायरनमेंट, तो वैसे में अगर मुर्गी थोड़ा सा भी छिक छिक करती है या फिर थोड़ा सा भी सांस लेने में उसको तकलीफ होता है, तो जो आवाज़ होता है क्रिएट वो आपको सुनाई देगा। तो इसीलिए आपको रात के टाइम में थोड़ा जाके अपने फार्म पर टाइम देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके मुर्गी में ये बीमारी लग चुका है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों अगर आपके आसपास में कोई भी वेटनरी डॉक्टर्स हैं तो उनसे आपको ज़रूर से सलाह लेना चाहिए, उनको अपने फार्म पे विजिट करा के फिर उनके हिसाब से आप जो है मेडिसिन चला सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके आसपास में कोई ऐसे डॉक्टर्स नहीं है जो कि आपको गाइडेंस दे, तो उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहला जो है आपको मेडिसिन बता रहा हूँ उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मेडिसिन आपको लेना है उसका नाम है एंड्रोफ्लॉक्सेसिन। ये दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपके आसपास में कोई वेटनरी शॉप्स है तो वहाँ पर अगर जाके आप कहते हैं कि हमें एंड्रोफ्लॉक्सेसिन 10% ओरल सॉल्यूशन चाहिए, तो उनके पास जो भी ब्रांड जो या फिर जो भी कंपनी का रहेगा वो फिर आपको उस हिसाब से उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें डोज के बारे में, तो दोस्तों जहां से आप मेडिसिन को ख़रीदेंगे वहीं पर भी आपको डोज पता चल जाएगा, कैसे इस्तेमाल करना है वो भी पता चल जाएगा, या फिर अगर आप वहां नहीं पूछते हैं तो दोस्तों आपको मैं डोज बता देता हूं। वो है दोस्तों सबसे पहला, अगर आप दोस्तों चूजे में इस्तेमाल करते हैं यानी चिक्स में, दोस्तों अगर आपका एक दिन से लेकर 30 दिन का चूजा है, 30 से 35 दिन का, तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, 100 बर्ड्स के हिसाब से मैं आपको डोज बता रहा हूँ। अगर आपके पास 100 चूजा है तो उसमें दोस्तों आप 5 ml जो है मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 लीटर या फिर 2.5 लीटर पानी में। बस दोस्तों आपको इतना पानी में इस्तेमाल करना है जो कि मुर्गी या फिर चूजा 1 से 1.5 घंटे में पी के ख़त्म कर दे, क्योंकि पानी जितना देर तक पड़ा रहेगा उतना दोस्तों मेडिसिन का काम जो है वो कम होता रहेगा। तो इसीलिए चूजा जल्दी से जल्दी पानी को पी के ख़त्म कर दे, उतना पानी में आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एडल्ट के लिए, यानी अगर 40 दिन या फिर 40 दिन का ऊपर का बर्ड्स है, तो उसमें दोस्तों आपको 10 ml करके इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति 2 लीटर या फिर 2.5 लीटर पानी में। इसमें भी दोस्तों 100 बर्ड्स के हिसाब से आपको डोज बताया गया। इसके बाद दोस्तों लास्ट में अगर आपके पास 1-2 मुर्गी है या फिर 2-4 मुर्गी आप घर में पाल के रखे हैं, और उसमें दोस्तों अगर आपको CRD का लक्षण दिखता है तो उसमें आपको कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको मेडिसिन को 0.2 ml ले लेना है और उसमें थोड़ा पानी मिला देना है, और उसमें दोस्तों ड्रॉपर या फिर सिरिंज की मदद से डायरेक्ट अपनी मुर्गी को पिला देना है।
इसके बाद दोस्तों बात आता है कि इस मेडिसिन को आपको कब कब इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों हर 8 घंटे में आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, यानी दोस्तों जैसे आज सुबह अगर 7 बजे आप मेडिसिन को देते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट आपको जो है 2 बजे मेडिसिन को देना है। उसके बाद 2 बजे जब आप दे दोगे उसके बाद रात के 10 बजे आपको मेडिसिन को फिर से देना है। ऐसे करके आपको एक दिन में 3 बार इस मेडिसिन को मुर्गी में चलाना है और दोस्तों लगातार 3 दिन तक चलाना है। अगर दोस्तों 3 दिन में आप देखोगे मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है तो फिर आपको मेडिसिन को नहीं चलाना है। अगर दोस्तों फिर भी अगर देखते हैं कि थोड़ा बहुत सिम्टम्स है मुर्गी में दिख रहा है तो फिर आप और 1 से लेकर 2 दिन तक जो है मेडिसिन को चला सकते हैं, बस डोज को आपको थोड़ा कम कर देना होगा। तो ऐसे करके दोस्तों जब आप लगातार 3 से लेकर 5 दिन तक मेडिसिन को चला देंगे तो मुर्गी में जो भी CRD का लक्षण है वो दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज का था ये एक छोटा सा वीडियो CID बीमारी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और दोस्तों के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेंगे कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।